आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ये ग्लव्स, मिटन्स, दस्ताने, फिंगरलेस ग्लव्स जिनमें हम उंगलियां नहीं बनाते, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के हैं और 3 मंथ्स तक बच्चों के आ जाते हैं। और ये बच्चे छोटे होते हैं तो उनको फिंगर्स वाले नहीं पहनाए जा सकते और वो अपने हाथ भी अंदर नहीं, कपड़े के अंदर नहीं करते, तो इसलिए ये ग्लव्स पहनाना जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इन्हें बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन बूटीज़ को बनाने के लिए मैंने स्टिचेस लिए हैं 32 स्टिचेस और ये 10 रोज का बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर मैंने नीट 2 पर्ल 2, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाया, देखिए दोनों साइड से इस तरह से है। और ये 10 रोज का बॉर्डर बन चुका है और इसके ऊपर अब हम 2 कलर पैटर्न डालेंगे। और पैटर्न हमारा 4 रोज का पैटर्न है और पैटर्न के लिए जो स्टिचे चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 2। और अब हम राइट साइड से फर्स्ट रो पैटर्न की स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है हमारी इसी कलर से, बेस कलर, कलर ए, इसी से बनाएंगे और पूरे स्टिचेस सीधे बनाएंगे, नीट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। और इस रो में हम 2 स्टिचेस इंक्रीज भी करेंगे, कहीं भी कर लेंगे, वो इसलिए कि पैटर्न के कारण कुछ ये ग्लव जो है हमारा ये टाइट ना हो जाए, तो इसलिए हम 2 स्टिचेस इस पर बढ़ाएंगे। तो कहीं से भी हम 2 स्टिचेस बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर, आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ 1 स्टिच बढ़ गया, 1 हम और बढ़ा देंगे। तो ये रो पूरी मैं सीधी बनाऊंगी। नीट ऑल द स्टिचेस, तो 1 स्टिच हम यहाँ और बढ़ा देते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको उठाएंगे और सीधा बना देंगे। अब ये फंदे भी मैं सीधे बना ले। तो ये बॉर्डर के ऊपर से ही हम अपनी रोज़ की काउंटिंग रखेंगे। तो ये पैटर्न की रो नंबर 1 थी, अब रॉन्ग साइड से पैटर्न की रो नंबर 2, तो ये उल्टी साइड है, तो सारे स्टिचेस हमने यहाँ पर उल्टे डालने। सीधी रोज़ थी, सीधे स्टिचेस, अब उल्टी तरफ से उल्टे स्टिचेस, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बनाएंगे, सॉरी उल्टे बनाएंगे। ये पूरे स्टिचेस उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई, उल्टी तरफ से उल्टे स्टिचेस। अब हमारी राइट साइड है रो नंबर 3, तो ये हम दूसरे कलर से बनाएंगे, सेकंड कलर से, कलर बी। और ये कलर हम ये वाला ले रहे हैं। तो फर्स्ट स्टिच सीधा बनाएंगे इस तरह से, नीट 1, थ्रेड पीछे जाने देंगे, यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, दो फंदों का 1 करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी जाली बन गई और यहाँ पर 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हो गया, तो हमारे फंदे ना कम हुए ना ज़्यादा हुए। अगेन यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, दो फंदों का 1, इस तरह से। और फिर देखिए जाली बन गई और यहाँ पर 2 का 1 हो गया। तो इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है। देखिए यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, धागा लपेटेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे उल्टा। इस तरह से हम ये पूरी रो करेंगे। देखिए इसी तरह हम करते जाएं। तो ये 3rd रो की हम एंड में हैं, ये मैंने 2 का 1 किया। अब यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, तो अब इसके बाद हमारे पास 1 स्टिच है, इसे हम सीधा बनाएंगे। अब रो नंबर 4 रॉन्ग साइड से, तो ये लास्ट रो है पैटर्न की और फर्स्ट स्टिच उल्टा बनाएंगे, सेकंड भी हम उल्टा बनाएंगे। तो जो सेकंड स्टिच है यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, पर्ल 1 नीट 1, आगे ये जाली वाला स्टिच है, इसको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से।
अगेन पर्ल वन एक स्टिच उल्टा, ये वाला जो दो खाई किया था, और यार्न ओवर सॉरी थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो अब हमारा यही पैटर्न है, रिपीट पैटर्न, पर्ल वन निट वन, पर्ल वन निट वन, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इसी को रिपीट करते जाएंगे। और देखिए लास्ट में हमें जाके आपको दिखा, तो ये देखिए लास्ट में हमारे पास ये जाली वाला स्टिच है सेकेंड लास्ट, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक स्टिच है, इसे हम उल्टा बना लेंगे पर्ल वन। तो अब हमारी है ये फर्स्ट रो ऑफ द सेकेंड पैटर्न, ये हमारा एक पैटर्न जो है ये ओवर हो गया। अब दो पैटर्न हम और डालेंगे, फोर रोज़ का एक पैटर्न है तो मींस हम एट रोज़ और डालेंगे। ये टू पैटर्न और बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स ये थ्री पैटर्न बन गए और एक पैटर्न फोर रोज़ का है तो ये हमारी 12 रोज़ बन गई। अब हम 13th रो पे हैं, तो 13th रो अब हम इस कलर से बनाएंगे, कलर ए से। अब हम दूसरा कलर हमने कट ऑफ कर दिया, अब हम ये कलर नहीं लगाएंगे। तो 13th रो राइट साइड से ये हम पूरी रो जो है वो सीधी बनाएंगे, नीट ऑल द स्टिचेस, पूरी रो सीधी बनाएंगे, नीट ऑल द स्टिचेस। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। 14th रो रॉन्ग साइड से, तो ये रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 15th रो राइट साइड से, अब देखिए फर्स्ट स्टिच इस तरह से हम पलटाएंगे और पीछे से इस तरह से दो का एक करेंगे, निट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। इसके बाद हम 13 स्टिच सीधे बनाएंगे, निट 13, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और 13 स्टिचेस डाल के, अब इसके बाद हम इस तरह से ये दो का एक कर देंगे, सिंपली नीट टू टुगेदर। उसके बाद इसको इस तरह से पलटाएंगे और पीछे से दो का एक करेंगे, सीधा बनाएंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। इस तरह से अब हमारे दो स्टिच यहाँ पे कम हो गए, एक स्टिच यहाँ पे कम हो गया। अब हम 13 स्टिचेस सीधे बना लेंगे, वन टू थ्री इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। अब ये रह गए दो और इनका इस तरह से दो का एक कर देंगे। तो अब रो नंबर 16 रॉन्ग साइड, तो इस रो को हम इस तरह से पूरा उल्टा बनाएंगे, सारे स्टिचेज उल्टे बना लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। रो नंबर 17 राइट साइड से, तो अब हम यहाँ पर फिर इस स्टिच को रो नंबर 15 की तरह ही बनाएंगे, इसको इस तरह से पलटाएंगे। और तब पहले हमने 13 स्टिचेस सीधे बनाए थे, अब हम 11 बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और 11 स्टिच। अब देखिए ये वाले दो स्टिच हमारे पास है जिनके साथ हमने दो का एक किया था, एक स्टिच हमारा इधर रह गया, अब इन इस तरह से दो का एक कर देंगे, निट टू टुगेदर।
इसके बाद इसको पलटाएंगे तो नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, दो फंदों का एक कर देंगे। अब फिर 11 स्टिचेस बना लेंगे और फिर लास्ट में दो का एक करेंगे। ये 11 स्टिचेस मैं बनाती हूँ, 11 स्टिचेस हो गए, सीधे बना लिए मैंने। अब लास्ट में हम इन दो का एक कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे दो का एक करेंगे, लास्ट में दो का एक करेंगे और बीच में इन दो स्टिचेस का, इसका ये वाला स्टिच लेंगे इसके साथ और इसको, इन दोनों को दो का एक करेंगे। तो अब हमारी है 18th रो रॉन्ग साइड से, तो ये रो हमारी रॉन्ग साइड से है, पूरे स्टिचेस उल्टे बनेंगे। रॉन्ग साइड से सारी रोज हमारी उल्टी ही बनेंगी, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो नंबर 19 राइट साइड से, तो फिर हम इसको इस तरह से पलटाएंगे और यहाँ पीछे से दो का एक कर देंगे। नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब पहले हमने 11 सीधे बनाए थे, अब हम 9 स्टिचेस बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नीट 9। अब फिर हम दो का एक करेंगे। अब देखिए ये हमारे दो फंदे सीधे जा रहे हैं, तो एक इसके साथ इस तरह से दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर। अब इसको पलटाएंगे और इस तरह से पीछे से दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो अब हमारे पास फिर 9 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 स्टिचेस के बाद हमारे पास ये दो स्टिच रहेंगे, इनको इस तरह से सीधा बना देंगे, नीट 9, नीट 2 टुगेदर। रो नंबर 20 रॉन्ग साइड से, तो ये हमारे पूरे स्टिचेस उल्टे बनेंगे, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये पूरी रो मैं उल्टी बना लेती हूँ। रो नंबर 21, तो 21 रो हमारी राइट साइड से है और अब हम इसको इस तरह से करेंगे और पीछे से दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने पहले 9 स्टिचेस सीधे डाले थे, अब 7 डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए इनके साथ हमारा एक स्टिच बच गया और यहाँ पर हम दो का एक करेंगे और इसको इस तरह से, दो का एक कर देंगे। नीट टू टुगेदर, नीट 7, नीट टू टुगेदर, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। नाउ अगेन नीट 7। तो ये 7 फंदे मैंने सीधे बना लिए, नीट 7, नाउ नीट टू टुगेदर, दो फंदों का एक कर देंगे। तो अब हमारी है 22nd रो रॉन्ग साइड से, तो यहाँ पर हमारे पूरे स्टिचेस उल्टे बनेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो सारे फंदे सीधे, सॉरी उल्टे बना के ये रो कंप्लीट कर। रो नंबर 23rd राइट साइड, अगेन इनको इस तरह से करेंगे स्टिच को और पीछे से दो का एक कर देंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। नाउ नीट 5, पहले हमने 7 किए थे, अब 5 रह गए हमारे पास, क्योंकि दो दो स्टिच कम होते जाते हैं हमारे हाफ में, एक स्टिच यहाँ कम हो जाता है, एक यहाँ कम हो जाता है। ये 3, 6 हो गए, हम यहाँ पे 5 बनाएंगे और अब यहाँ पर दो का एक कर देंगे, नीट टू टुगेदर। यहाँ पर
हम दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। नाउ नीट फाइव, वन टू थ्री फोर और फाइव, और अब हमारे पास ये दो स्टिच बच गए, दोनों का एक कर देंगे। और अब हमारी है ये 24th रो रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से हम पूरे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, रो नंबर 25 राइट साइड से, तो ये भी हम उसी तरह ही बनाएंगे, इस स्टिच को इस तरह पलटाएंगे और पीछे से दो का इस तरह से दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमारे पास थ्री स्टिचेस रह गए, वन टू थ्री, अब ये वाला स्टिच और ये दो का एक कर देंगे और इसको इस तरह से पलटाएंगे और पीछे से दो का एक कर देंगे, नीट टू टुगेदर, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। नाउ नीट थ्री, वन टू थ्री, और ये दो फंदों का लास्ट में एक कर देंगे। तो अब हमारे पास टू फोर सिक्स एट और ये 10 स्टिचेस रह गए। अब ये यहाँ पर हम देखिए इस तरह से हमारा बन गया, और अब हम इन्हें बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ये दो स्टिच लेंगे, दो का एक कर देंगे, उल्टे सिलाई से करेंगे ये, और इस तरह से इसको इस नीडल पे लेके दो का एक कर देंगे, फिर ये स्टिच यहाँ पे लेंगे और इन दो को इस तरह से लेकर के दो का एक कर देंगे। इस तरह से हम सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया और ये बन करके इस तरह से बनेगा। तो बड़ा ही क्यूट सा प्यारा सा बना है, और इसको हम यहाँ से लेकर के ये सारा स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ, एंड इसी के साथ हम दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है, ये इस तरह से बने हैं और बड़े ही सुंदर बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो आप इसे अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इनमें कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं, इन्हें ब्लीन भी बना सकते हैं, गार्टर स्टिच से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू सो मच।